नेक्स्ट क्वेश्चन अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम्स मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलेशन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेशन इफ द कानेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू अपने को वैल्यू दी हुई है एट इंटू टू पावर माइनस फोर बाय द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन आफ्टर बिगनिंग ऑफ द मोशन राइट सो जो जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पे पहले वो लिख लेते हैं सो so, अपना पार्टिकल है इट इज मेकिंग सर्कुलर मोशन और यहाँ पे अपने को डेटा दिया हुआ है कि मास जो है दैट इज़ टेन ग्राम और इसको हम लिख सकते हैं टेन इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री किलोग्राम और उसी के साथ साथ अपने को डेटा दिया है रेडियस है सिक्स पॉइंट फोर सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर सो इसको मीटर में कन्वर्ट करके माइनस टू मीटर यह अपना रेडियस हो गया है. और एन uh, की वैल्यू दी हुई है टू सो आफ्टर सेकेंड रेवोल्यूशन दो चक्कर काटने के बाद इसकी कानीटिक एनर्जी जो हो जाती है कॉनेटिक एनर्जी दी हुई है एट इंटू टू दावर माइनस फोर जूल और हमें यह बताना है कि उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन क्या होएगा दो सेकेंड uh, दो uh, चक्कर काटने के का, बाद जब इतनी कानीटिक एनर्जी हो गई है Now, इस केस में अगर नोटिस करोगे uh, यहाँ पे वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम नाउ

एंड यू शुड चेक फॉर दिस कंडीशन या का फॉर ईच एंड एवरी सिनेरियो जब भी आप सवाल करें वर्क कहीं थोरम इन्वॉल्व हो तो ये सारे सिनेरियो आपको चेक करने चाहिए है डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे दो एक्सटर्नल फोर्स हैं तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आ, ऐसे लिख लेते हैं सेंट्री पीटल फोर्स प्लस वर्क डन बाय सेंट्री फ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के ही तो आपने को पता है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है उस उसका वर्कडन हमेशा जीरो होता है फॉर द सिंपल रीज़न कि आपका हमेशा फोर्स जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है उन दोनों के बीच में 90 का एंगल होगा तो सेंट्रीपिटल का वर्कडन अपना ज़ीरो आएगा सेंट्रीफ्यूगल का वर्कडन जब हम यहाँ लिखेंगे तो हम सेंट्रीफ्यूटल का वर्कडन लिख सकते हैं uh, फोर्स मल्टी मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स जो अपना हुआ, हुआ है यहाँ पे फोर्स इज एम ए टी मल्टीप्लाइड बाय जो भी उसने डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया है ना दो राउंड के बाद डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको हम कैसे लिख सकते हैं तो अपना जो डिस्टेंस ट्रैवल होएगा दो राउंड के बाद उसको हम लिख सकते हैं आर थीटा और यहाँ पे जो आर थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो होएगी उसके डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं या डिस्टेंस ट्रेवल को हम यहाँ लिख सकते हैं टू पाई मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय आर आर हो गया अपना 6.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस टू सो ये सॉल्व करके अपनी वैल्यू आ जाएगी सो इट विल बी 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 6.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस टू यह आपका डिस्टेंस हो गया इसको यहाँ पे पुट करके एस विल बी इक्वल टू चेंज इन कारेंटिंग एनर्जी विच इज़ एट इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर यानी कि आपका टेंजेंशियल एक्सलेशन जो है वो हो गया एट इंटू टू द पावर माइनस फोर डिवाइडेड बाय मास मास है टेन इंटू टू दावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई एस एस में ये वैल्यू हम इन कर सकते हैं सो इट विल बी फोर पाई मल्टीप्लाइड बाई सिक्स पॉइंट फोर इंटू टें टू द पावर माइनस टू ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट आर आंसर इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो अपनी वैल्यू आती है लगभग जीरो पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस विल बी आर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम